अमूमन सूर्यमुखी के पौधे में एक ही फूल खिलते हैं। हालांकि सूर्यमुखी के पौधे की खेती करके किसान काफी बेहतर लाभ कमा सकते हैं। पलामू जिले में इसके खेती को लेकर किसान ट्रायल रूप से भी खेती कर रहे हैं, और अगर एक फूल की जगह पे एक पौधे में कई फूल खिलने लगे तो वो किसानों के लिए काफी लाभदायक और अच्छा मुनाफा वाला खेती हो सकता है। कुछ किसान इसको ट्रायल के लिए इस्तेमाल करें, तो आइए हम बात करते हैं और जानते कि इसकी खेती कैसे करें। क्या नाम है आपका, कहाँ मेरा नाम अनुराग तिवारी है, घर हुआ? मेरा घर रेडमा में है। ठीक, इसकी शुरुआत हमने यूट्यूब पे देखा तो मुझे भी लगा कि सूर्यमुखी का सनफ्लावर का खेती किया जाए, तो इसके लिए अभी तो 1 कट्ठा में हम लगाए हैं, लेकिन अगर अच्छा हुआ तो और ज़्यादा एरिया में लगाने का सोचे हैं। अभी तो लग रहा है कि अच्छा हो रहा है और फूल भी बहुत सारा लगा हुआ है, तो देखते हैं एक आगे। पौधे में कितने फूल खिल रहे हैं, कितने? अभी तो आप देख सकते हैं कि करीबन 25 से 30 पौधे और फूल लगे हुए हैं इसमें, और लग रहा है कि अच्छा हो रहा है, तो आगे भी सोचे हैं कि किया जाए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर सुधीर कुमार झा। मैं यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र पलामू में सीनियर साइंटिस्ट कम हेड हूँ। सूर्यमुखी की खेती वैसे तो पलामू में पहले बहुत कम मात्रा में हुआ करती थी, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा संकुल प्रत्यक्षण कार्यक्रम के तहत करीब 20 हेक्टेयर जमीन पर इस बार प्रत्यक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सूर्यमुखी की फसल, एक तो इसका खासियत है कि ये सालों भर लगाया जा सकता है। इसको आप खरीफ में भी लगा सकते हैं, रबी में भी लगा सकते हैं, गर्मा में भी लगा सकते हैं। खासकर यहाँ पर धान काटने के बाद जो जमीन खाली रहती है उसमें इसकी खेती आराम से की जा सकती है, क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। और इसमें खासियत यह है कि इसका जो तेल है वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का माना जाता है, खासकर हृदय रोगियों के लिए। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, इसलिए हृदय रोगियों के लिए ये प्रेस्क्राइब किया जाता है। और इसमें तेल की मात्रा भी ज्यादा होती है, मतलब इसमें तेल का उत्पादन इसमें ज्यादा होता है, करीब करीब 38 से 40% तेल निकलता है इसमें सनफ्लावर में, सूर्यमुखी में। और इसकी खेती के लिए इनपुट की आवश्यकता काफी कम होती है। एक एकड़ खेती करने के लिए आपको केवल 2.5 किलो बीज लगेगा, बस 2.5 से 3 किलो बीज में आप 1 एकड़ आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा बड़ा पौधा है। आपको 75 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना है, लाइन से लाइन, और पौधा से पौधा करीब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको लगाया जाता है। और इस आप जब आपका खेत गर्मी के दिन में पड़ती रहता है, धान काटने के बाद आप निचली जमीन में भी इसको लगा सकते हैं। है कि एक तो होता है ओपन पॉलिनेटेड, जिसे इसमें KBSH44 है, और कुछ है प्राइवेट कंपनीज द्वारा निकाला गया है संकर प्रभेद, मतलब हाइब्रिड वैरायटी। तो हाइब्रिड वैरायटी की जो बीज है उसको आपको हर साल बदलना पड़ेगा, और अगर ओपन पोलिनेटेड है, ओपी वैरायटी है, तो आप बीज पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाइब्रिड वैरायटी की जो बीज है वो थोड़ी महंगी होती है, लेकिन उसमें बीज दर भी थोड़ा कम लगता है और आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए आजकल तो सनफ्लावर में काफ़ी सारी हाइब्रिड है बाजार में उपलब्ध, इस चीज का उपयोग आप कर सकते हैं। कि हाइब्रिड अगर लगाएगा तो आपको 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में करीब दुगुना हो जाता है हाइब्रिड बीज में।